दोस्तों ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ अपने एक व्यूवर की डिमांड पर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मेड इन इंडिया सिट्रोन C21 के बारे में। दोस्तों फ्रांस के पॉपुलर कार मेकर PSA ग्रुप की भारत में जोरदार एंट्री होने वाली है। आने वाले समय में सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के साथ ही प्रीमियम SUV सेगमेंट में भी इस ग्रुप की कारें लॉन्च होने वाली है। हाल ही में PSA ग्रुप की सब कॉम्पैक्ट SUV सिट्रोन C21 की झलक इंडियन रोड्स पर देखने को मिली थी। सिट्रोन C21 पूरी तरह से मेड इन इंडिया कार होगी, जिसकी सीधी टक्कर किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सोन, निसान मैग्नाइट, महिंद्रा XUV 300, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा जैसी कई पॉपुलर कार से होगी। इस कार के लिए कंपनी ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। बोल्ड डिजाइन वाली इस कार में अच्छी रोड प्रेजेंस मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सिट्रोन C21 डिजाइन और पावर में काफी अलग होने वाली है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रांस की ये कंपनी किया सेल्टोस और सोनेट की तरह MG की कारों की तरह ही भारत में अपना जलवा बिखेर सकती है। सिट्रोन C21 को इसी साल मार्च या जून में लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी लॉन्चिंग में थोड़ा समय लगेगा और इसे दिवाली तक लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रोन C21 के अलावा PSA ग्रुप एक और धासु कार लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम सिट्रोन C5 एयरक्रॉस है। इसे प्रीमियम SUV सेगमेंट में रखा गया है, जिसकी भारत में मौजूदा प्रीमियम SUV से टक्कर होगी। दोस्तों C5 के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रोड्स पर दिखाई गई सिट्रोन C21 डिजाइन स्टाइल और फीचर्स के मामले में बेहद जबरदस्त दिखती है। दोस्तों इसके डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में LED हेडलैम्प्स और LED DRLs क्रोम स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं, वहीं इसके फोग लैंप क्रोम सराउंडिंग के साथ फ्रंट बम्पर से जुड़े हैं। इस कार में अलॉय व्हील्स भी लगे होंगे। सिट्रोन C21 को ड्यूअल टोन पेंट के साथ लॉन्च किया जाएगा। मिड साइज की ये SUV देखने में काफी स्पोर्टी होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें इस कार के इंजन और पावर की, तो खबरें आ रही हैं कि इसे पेट्रोल के साथ डीजल इंजन से भी पेश किया जाएगा। इसमें पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज यूनिट से लैस होगा, जो 130 BHP का पावर जनरेट कर सकता है। वहीं इसे 1.5 लीटर के 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ भी पेश किया जा सकता है। PSA ग्रुप की माने तो आने वाले समय में सिट्रोन C21 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें 30 किलोवाट की बैटरी लगी हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक कार को सिट्रोन CC21 नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों भारत में सिट्रोन C21 की कीमत की बात करें तो अभी इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 10 लाख के भीतर ही इसके होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सिट्रोन C21, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप किस कार के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, ताकि उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए ला सकें। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।